नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं निरसा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कापासारा ओसीपी में कोयले की अवैध उत्खनन के कारण चाल धंस गई। इसमें कोड़ा कुल्ही बस्ती के एक युवक के दबने से मौत की जानकारी सामने आ रही है। ग्रामीण शव को लेकर भाग गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं निरसा से, इस वक्त की ये बड़ी खबर, अवैध खनन का शिकार एक युवक हो गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। निरसा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के कारण एक चाल धस गया, जिसमें दबकर एक युवक की मौत की बात सामने आ रही है। निरसा के कापासारा ओसीपी में यह मामला हुआ है। कोड़ा कुल्ही बस्ती के एक युवक की चाल धसने से दबकर मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस दौरान ग्रामीण शव लेकर भाग गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं निरसा से, इस वक्त की ये बड़ी खबर। मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, मिल रही जानकारी के मुताबिक ग्रामीण शव लेकर फरार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की निरसा से बता रहे हैं आपको। राजेश हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अवैध खनन के चक्कर में एक युवक की मौत की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये कोयलांचल में लगातार ये विवाद में रहता ही है कि यहाँ पे अवैध उत्खनन में लोग लगातार दबते हैं, मरते हैं, बावजूद इसके भी इस तरह के कामों पर लगाम नहीं लगाया जाता है। और चूंकि एक बार फिर से निरसा सुर्खियों में आ गया है, चूंकि अवैध जो कोयला के कारोबारी है वो सक्रिय हो चुके हैं और कई जगह में इस तरह का अवैध उत्खनन का काम लगातार जारी है। कल भी एक मौत हुई थी जो राजपुरा ओसीपी में हुई, और आज दोबारा एक उसी के पास में जो कापासारा आउटसोर्सिंग है, जो ईसीएल के अधीन आता है, वहां पे आज इस तरह की एक मौत हो जाती है। और ये सब कोई रात के अंधेरे में नहीं होता दीपक, बल्कि 2400 घंटे इस तरह काम चलता है। और ईसीएल की सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, वहां के अधिकारी होने के बावजूद भी, इस तरह के काम को वहां अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए चुनौती है, ईसीएल के लिए भी चुनौती है, चूंकि कई बार इस तरह की उच्च स्तरीय वार्ता भी होती है, बैठक भी होती है कि इस तरह के कामों पर लगाम लगाया जाए, लेकिन उसका जो कुछ रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है, मौतें होती रहती है, और कोयला का उत्खनन लगातार जारी रहता है। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए राजेश। अवैध खुदाई होने की वजह से ये हादसा हुआ, हालांकि ग्रामीण शव लेकर फरार हो गए हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चाल धसने से एक युवक की मौत की चर्चा इलाके में गर्म है।